महाराज, आज पुत्रदा एकादशी है, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में दो बार आती है, एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी पोषाधिक्रम में आती है। भक्तों, आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो जल्दी से चैनल को ओपन करिए और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए, जिससे कि आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकें। श्रावण के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके, घी का एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्र साथ में रखें और एक बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, ये वो एकादशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन महीना, पूरे साल में सावन का ही एक ऐसा महीना है जिसमें महादेव की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है, और इस महीने में आप जो भी उपाय करते हैं या महादेव की पूजा करते हैं तो महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। इसी सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी आ रही है। गुरुजी ने पुत्रदा एकादशी के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताया है। अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप ये उपाय एक बार जरूर करना, बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय के लिए आपको तीन चीजें विशेष लेनी है। एक तो आपको गाय का घी लेना है, दूसरा आपको खीर का प्रसाद बनाना है, और तीसरे नंबर पर आपको लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आटे से भी दीपक बना सकते हैं। ये तीन वस्तुएं जो है वो आपके लिए जरूरी हैं। इसके अलावा आप महादेव की पूजा के लिए कोई भी सामग्री साथ में ले सकते हैं, जैसे बेलपत्र है, धतूरा है या एक लोटा जल है, कोई भी वस्तु आप महादेव की पूजा के लिए साथ में ले सकते हैं। ये वस्तुएं लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर महादेव की पूजा अच्छे से करनी है। जिस विधि विधान से आप पूजा करना चाहें उसी विधान से आपको पूजा करनी है। पूजा करने के बाद एक कटोरी में थोड़ा सा गाय का देसी घी और एक कटोरी में थोड़ी सी खीर महादेव के सामने आपको रखनी है, और एक जो आप दीपक साथ में लेकर गए हैं वह दीपक आपको मंदिर की चौखट के ऊपर प्रज्वलित करना है, जला देना है। पूरी पूजा करने के बाद महादेव के शिवलिंग पर चढ़े हुए दो बेलपत्र के पत्ते आपको उठाने हैं। एक बेलपत्र का पत्ता उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर या मंदिर में कहीं भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके स्त्री को खा लेना है, और दूसरा पत्ता आपको अपने घर लेकर आना है और अपने पति को खिलाना है। अगर आप ये उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो महादेव की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है और महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको उपाय अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी उपाय समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने की। और अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।